श्रील प्रभुपाद हमारे स्कॉन के फाउंडर आचार्य इसको बड़ी गंभीरता से समझाते हैं। वो कहते हैं भवत उत्थया शुभ अशुभम। प्रौढ़ भक्त जानता है कि बाहर से दिखने वाली अच्छी तथा बुरी परिस्थितियां जिन्हें वह झेल रहा है वो उसके शुभेच्छा हेतु भगवान के मार्गदर्शन का संकेत है। क्या है? जब आपकी लाइफ में भगवान की भक्ति करने पर कोई प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब है भगवान आपको अब देख रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। बोले वो कैसे? जिस बच्चे के माता पिता उसको स्कूल जाने के लिए डांटते हैं, उस बच्चे को नींद छोड़कर स्कूल जाना बुरा लगता है, तो उस बच्चे की शुभेच्छु होते हैं या उसकी बुराई चाहते हैं? लेकिन उसको तो बुरा लग रहा है, उसको तो बुरा लग रहा है, मुझे स्कूल भेज रहे हैं जबरदस्ती, उसको कष्ट लग रहा है सुबह सुबह उठना, रो रहा है। लेकिन जो माँ बाप कहते कोई बात नहीं, जान दे, सोने दे, एक महीना पढ़ना होगा पढ़ लेगा, तो वो क्या कर रहे हैं? उसकी भलाई कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं? बुराई। देवता के पास गए, आपने कहा मुझे बंगला दे दे, लेकिन उस बंगले से कितना बड़ा अहंकार बन जाएगा ये आप नहीं जानते। लेकिन भगवान तभी बंगला देंगे जब बंगला सहने की शक्ति हो। सुदामा को भगवान ने इतनी बड़ी सुदामा पूरी प्रदान करी, लेकिन सुदामा उसमें एक पल नहीं रहे, क्योंकि सुदामा के अंदर वैराग्य था, भक्ति थी, तब दी जब उनकी रहने की इच्छा नहीं थी। ध्रुव को तब मिला जब उनकी रहने की इच्छा खत्म हो गई, बोले अब तो मुझे चाहिए ही नहीं। भगवान बोले नहीं, लो 36,000 साल का राज्य लो, सब लो, कह रहे मैं रहूंगा लेकिन मैं भोगूंगा नहीं। रहते थे राज्य में लेकिन माला करते थे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। खेलने जा रहा है बच्चा, एग्जाम है कल, तो क्या कहेंगे माँ बाप? क्या कहेंगे? जाओ बेटा खेलो के कूदो के तो बनोगे नवा। कहेंगे क्या? कहेंगे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार। अब आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, अहंकार के रास्ते पर, दिखावे के रास्ते पर, झूठे रास्ते पर, फॉल्स इल्यूजन, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, फिर भी आप उस रास्ते पर जा रहे हो और भगवान उससे रोकेंगे, लेकिन देवता आपकी मदद करेंगे। जा आ जा मेरे जाल में, मेरे जेल में आ, क्योंकि उनकी सेवा है, दैट इज देयर विल, उनकी इच्छा है। चार बेटे थे पिताजी, अंत समय में घुर 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 गला हो रहा था। बोले पिताजी क्या हो गया? कुछ कहना चाहते हैं। वसीयत में बताएंगे किस बच्चे को कितनी प्रॉपर्टी दी, अंत समय में बुलवाओ। आयुर्वेद डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी की गुरगुराहट हो रही है, कुछ दवाई दीजिए। बोले हमें दवाई तो दूंगा, 5,00,000 रुपए लगे। बच्चे बोले कोई बात नहीं, 5,00,000 लग जाए, वसीयत मिल जाए। उनको ना पिता से मतलब, ना उनकी गुरगुराहट से मतलब, उन्हें तो अपनी जमीन जायदाद से। ये फैक्ट ऑफ लाइफ बता रहा हूं, किसी को एक्सेप्ट होता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जब बिल्ली कबूतर के ऊपर पंजा मारती, कबूतर आंख बंद कर लेता है, मैंने देखा ही नहीं तो क्या खाएगी नहीं। फैक्ट ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ लाइफ, नोबडी लव्स अस, एवरीबडी लव्स अवर मनी। सबको हमारा पैसा, हमारा ऐश्वर्य, हमारी चीजें, हमारी वस्तु, हमारी सेवा ही पसंद है, हम नहीं पसंद है। तो उन्होंने एक 5,00,000 रुपए लगाकर दवाई मंगाई, औषधि दी, घर गई, घर ठीक हो गई। ठीक हुई तो बोले हाँ पिताजी बोलिए। क्या बोलना चाह रहे थे? बोले मैं बोलना चाह रहा था कि वो जो झाड़ू में लाया था वो बाहर गाय बैल के पास पड़ी है और बैल उसे पैरों से कुचल रहा है। तुम लोग झाड़ू की अगर ख्याल नहीं रख सकते तो मेरी इतनी सारी जमीन जायदाद का ख्याल कैसे रखोगे? बोलते बोलते उनके प्राण बैल 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 झाड़ू झाड़ू करते। बच्चे बोले वसीयत भी नहीं बताई और अंत में किसका स्मरण किया? क्या बने होंगे अगले जन्म? एवरीथिंग इज ऑल इज वेल यू बिकम बैल। तो बहुत गहराई से समझने वाले शास्त्र होते हैं भागवत, ऐसे ही नहीं कोई कहानी किस्सा, ये शास्त्र है। और इन शास्त्रों को हमने जन्म से अपने घर में सुना। मेरी ग्रैंड मदर पढ़ा करती थी भागवत को, हमें सुनाती थी कहानियां, बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं, जगन्नाथ जी कथाएं हम नाइट स्टोरीज में सुनते थे। और जब मैं इस्कॉन में आया, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं कहा ये सब तो हमने सुन रखा है,
मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं मैंने कुछ नया सुना है, मैं बहुत कुछ सुना था। और आज भी लोग बोलते हैं आप कहां से रामायण की इतनी कथाएं सुना देते हो, ये मैंने ऐसे नहीं किया कि यहां आकर के सीख लिया, बहुत बचपन में सुना है।